है, प्रॉपर वे में होगा, सबसे पहले हम क्लिंजिंग करेंगे, क्लिंजिंग के बाद देखिए हम स्क्रबिंग करेंगे, स्क्रबिंग के बाद में हम मसाज जेल लेंगे, मसाज जेल के बाद में हम नरिशिंग क्रीम लेंगे और लास्ट में हम फेस पैक लेंगे जिसको फेस मास्क बोलते हैं। तो ये फंक्शन इस तरह से हम करते हैं तो हमारा एक घंटा सवा घंटा या 40 मिनट आराम से हो जाता है। चैनल आशा सक्सेना, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि फेशियल और क्लीनअप में क्या अंतर है। हमारे कुछ जो क्लाइंट हैं वो भी कंफ्यूज रहते हैं कि फेशियल और क्लीनअप में अंतर क्या है, हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते। हम एक्सप्लेन तब करेंगे जब हमको मालूम होगा। तो हमारे जो स्टूडेंट हैं उनकी ये विशेष प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन उनको है, जो बिगनर्स हैं या खोल चुके हैं पार्लर या खोलने जा रहे हैं या जो सीख रहे हैं, तो उनको ये कंफ्यूजन है कि मैम हमको ये समझ में नहीं आता कि फेशियल में और क्लीनअप में क्या अंतर है, दोनों में किस तरह का अंतर है और किस तरह से हमको क्लाइंट को अटेंड करना है, किस तरह से हमको समझाना है। क्लाइंट तो ये पूछेगा ही कि हम फेशियल करवाएंगे और क्लीनअप कितने का है, फेशियल कितने का है। तो अगर हमको जानकारी नहीं है तो हम एक्सप्लेन क्लाइंट को नहीं कर पाएंगे। तो हम ये विशेष, आप इसको बहुत ही लाइटली मत लीजिए, हमको जानकारी होगी तभी हम क्लाइंट को सेटिस्फाइड कर पाएंगे। फ्रेंड्स, फेशियल का मतलब ये होता है पूरा फेशियल हमको करना, वो किसी भी एज ग्रुप में हम कर सकते हैं, आफ्टर 22 से लेकर किसी भी आगे तक की एज में। और या फिर क्लीनअप है तो क्लीनअप का अलग प्रोसीजर होता है। क्लीनअप अगर कम एज वाले हैं, कम एज वाले जो क्लाइंट हैं, तो उनके हमको क्लीनअप करना है, क्योंकि ज्यादा एज नहीं है तो बहुत ज्यादा मसाज हमको नहीं देनी है, तो उनके क्लीनअप कर सकते हैं। या फिर हमारे क्लाइंट की ये चॉइस है कि कम रेट में अगर काम हो जाए, फेशियल भी हो जाए, वो भी, तो हमको सजेस्ट करना होगा कि आप क्लीनअप करवा लीजिए, जो आपको चीप भी पड़ेगा और अच्छे से हो भी जाएगा। फ्रेंड्स, फुल फेशियल का मतलब ये होता है हमारे पास किट कोई सा भी हो, गोल्ड का हो, डायमंड का हो, सिल्वर का हो, या पर्ल का हो, या लोटस का हो, या इसके अलावा D10 का हो, या किसी भी तरह का फेशियल किट है। तो हम अगर फेशियल करने जा रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि हमारे जो क्लाइंट है उसकी एज क्या है। इसके अलावा देखिए, फेशियल का मतलब ये है कि हमको आफ्टर 40 मिनट बाद क्लाइंट को फ्री करना है। अगर हमारी ब्राइड है या क्लाइंट है, उनके काफी ज्यादा वो अच्छी क्वालिटी का फेशियल करवा रहे हैं, मान लीजिए O3 का करवा रहे हैं, या फिर गैल्वेनिक मशीन से करवा रहे हैं, या फिर किसी अच्छी रिच क्वालिटी का जैसे लोटस है, या फिर VLCC का करवा रहे हैं अच्छा वाला, तो उसमें फिर हम एक घंटा तक ले सकते हैं। O3 का फेशियल है या ब्राइडल किसी भी ट्रीटमेंट का फेशियल हम ले रहे हैं, तो D10 वाला भी है या किसी भी तरह का है और ब्राइट का है, तो हम सवा घंटा भी उसमें अफोर्ड करेंगे, सवा घंटा हम लेंगे फेशियल में। सवा घंटे में हम बिल्कुल फिटली उसको क्लाइंट को फ्री कर देंगे। लेकिन अगर रूटीन का हम फेशियल कर रहे हैं तो 40 मिनट काफी होते हैं, या फिर देखिए एक घंटा काफी होता है। तो ये फेशियल का जो टाइमिंग्स है वो हमने आपको बताया। इसके अलावा अगर एज ठीक है तो एज के अकॉर्डिंग हम क्रीम वगैरह लेंगे, या फिर स्किन के अकॉर्डिंग लेंगे, ड्राई स्किन है या ऑयली स्किन है तो उसके अकॉर्डिंग लेंगे। और अगर देखिए स्किन में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेंसिटिव स्किन है या रफ एंड टफ है, तो हम उसके अकॉर्डिंग लेंगे। सीजन के हिसाब से हम फेशियल करेंगे कि किस तरह का सीजन है, किस तरह का हमको करना चाहिए। तो ये फेशियल एक इस तरह से है, प्रॉपर वे में होगा। सबसे पहले हम क्लिंजिंग करेंगे, क्लिंजिंग के बाद देखिए हम स्क्रबिंग करेंगे, स्क्रबिंग के बाद में हम मसाज जेल लेंगे, मसाज जेल के बाद में हम नरिशिंग क्रीम लेंगे और लास्ट में हम फेस पैक लेंगे जिसको फेस मास्क बोलते हैं। तो ये फंक्शन इस तरह से हम करते हैं तो हमारा एक घंटा सवा घंटा या 40 मिनट आराम से हो जाता है। अब आते हैं, बात करते हैं हम क्लिंजिंग की। ये क्लीनअप क्या होता है? क्लीनअप ये होता है कि फेस को एक हल्की सी मसाज देकर जो डेड सेल्स हो जाते हैं, गंदगी हमारे फेस पर लग जाती है, उसको रिमूव करना
और मसाज के साथ में ब्लड सर्कुलेशन करना। तो क्लीन अप में हम बताते हैं आपको कि कितना टाइम लेंगे, 30 मिनट में हम क्लीन अप कर देंगे। या फिर देखिए कम एज वाले हैं, जैसे कि 22-21 से स्टार्ट होते हैं, उनके अगर हम कर रहे हैं तो उनके क्लीन अप ही ज्यादा बेस्ट रहेगा। ज्यादा कम एज वालों को हम फुल फेशियल ना लें तो ज्यादा ठीक रहेगा। क्यों? क्यों? उनकी एज कम है, स्किन बहुत सेंसिटिव होगी और किसी तरह का अगर हम मसाज ज्यादा देंगे तो सेंसिटिव स्किन पर कई बार क्या होता है कि गलती से अगर स्ट्रोक्स थोड़े भारी हो गए या फिर अच्छे से हमने प्रेशर से कर दिया तो फिर वो रैशेज पड़ जाते हैं। और ये स्किन भी हमारे जो कम एज वालों की होती है बहुत नाजुक होती है, सेंसिटिव होती है, तो इसलिए ज्यादा टाइम तक हमको मसाज नहीं देनी चाहिए। तो ये जो कम एज वाले क्लाइंट होते हैं उनको हम बिल्कुल क्लीन अप ही हम सजेस्ट करेंगे। फेशियल में आपने देखा, हमने टाइमिंग्स भी बताया, आप क्लीन अप का बताते हैं हम कि अगर हम क्लीन अप करते हैं तो क्लीन अप का मतलब ये होता है हम क्लींजिंग करेंगे, स्क्रबिंग करेंगे, इसके बाद में देखिए हम मसाज जेल देंगे, मसाज जेल से मसाज करने के बाद में नरिशिंग क्रीम से मसाज देंगे, उसके बाद में हम फेस पैक लगाएंगे। लेकिन टाइमिंग ड्यूरेशन ये अलग हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, हम देखिए 5 मिनट तक हमने क्लींजिंग किया, इसके बाद में फेस वगैरह साफ करने में 5 मिनट हो जाते हैं, उसके बाद में हम 5 मिनट तक स्क्रबिंग करेंगे, ये 10 मिनट आपके हो गए, इसके बाद में हम देखिए नरिशिंग क्रीम से मसाज देंगे। तो ये हमने 7-10 मिनट तक मसाज दे दी, ठीक है। अब ये हो गए हमारे 20 मिनट और इसके बाद में हम फेस पैक लगाएंगे तो 5 मिनट में वो फेस पैक लग जाएगा। तो इसका टाइमिंग ड्यूरेशन कम होता है फेशियल की अपेक्षा क्लीन अप में। इसके अलावा एक चीज और है, हम फुल फेशियल में बैक मसाज देते हैं, शोल्डर पर देते हैं, नेक एरिया पर देते हैं, तो इसलिए हमारा 1-1.25 घंटा लग जाता है। तो इसमें क्लीन अप में हमको ना तो केवल फेस को हमको नेक एरिया तक हमको कवर करना होगा क्लीन अप में, और ना हम मसाजर देंगे उसमें, हम फेस पर भी मसाजर देंगे, बैक एरिया पर भी मसाजर यूज करेंगे, बैक मसाज भी देंगे फुल फेशियल में, लेकिन क्लीन अप अगर हम कर रहे हैं तो उसमें टाइम के अकॉर्डिंग हम यही करेंगे और वॉश करके उसको ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट में क्लाइंट को खड़ा कर देंगे, फ्री कर देंगे। तो ये टाइम ड्यूरेशन जो है उसमें क्लीन अप में कम हो जाएगा, क्योंकि शोल्डर और नेक एरिया पर जो मसाज है वो नहीं होगी, बैक एरिया पर जो हम बैक एरिया पर जो मसाज देते हैं वो भी नहीं होगी, और फेशियल का जो टाइम है मसाज का, फेस मसाज का जो टाइम है वो भी इसमें कम रहेगा और फेशियल में पूरा हम रहेंगे। तो इन दोनों में ये अंतर है। इसके अकॉर्डिंग देखिए पैसों का भी अंतर है। फुल फेशियल अगर हम करते हैं तो एक पैसों का भी चार्ज जो होगा वो ज्यादा होगा, एक क्लीन अप की अपेक्षा उसमें हमने काम ज्यादा किया है, क्रीम ज्यादा यूज की है, हमने जो क्रीम है मसाज जेल है पैक है हर चीज को हमने ज्यादा लिया है, क्योंकि पैक को हमने यहाँ तक लगाया तो देखिए काफी खर्च हुआ, बैक एरिया पर भी हमने क्रीम को खर्च किया है, फेस पर भी किया है, शोल्डर पर भी किया है, तो ये सारा जो सामान हमारा फेशियल में खर्च हुआ है वो क्लीन अप में नहीं होगा। क्लीन अप में केवल थोड़ा हम उस हिसाब से टाइम ड्यूरेशन जब कम है तो हमको काम भी कम करना है, इसके अलावा देखिए हमारा सामान भी कम लगेगा। तो इसलिए क्लीन अप की रेट आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। आप पूछेंगे क्या है, तो ये तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमने किस फेशियल किट से क्लीन अप किया है। क्लीन अप किसी भी फेशियल किट से हम कर सकते हैं, लेकिन बस टाइम का जो ड्यूरेशन है वो फेशियल से 50% कम होगा। जैसा कि अब बताते हैं आपको कि मान लीजिए हमने 900 का फेशियल किया, पूरा फेशियल हमने 900 का किया, और अगर कोई क्लीन अप करवाता है तो हम 450 ले सकते हैं। तो इतना अंतर जब क्लाइंट को महसूस होगा, मैं खुद अपने पार्लर की बात बता रही हूँ आपको कि हर गृहिणी एक 4 पैसों को बचाकर चलती है, सोचकर चलती है, तो वो आते ही दोनों का जो रेट पूछती है तो फिर यही सोचती है कि मैम आप तो क्लीन अप ही कर दीजिए।
फिर हम समझाएंगे उनको कि आपकी एज के अकॉर्डिंग जो पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, दानों की प्रॉब्लम है, जो टैनिंग बहुत ज्यादा हो रही है, या इसके अलावा आपको ब्लड सर्कुलेशन चाहिए क्योंकि स्किन एकदम डल हो रही है। डल इसलिए हो रही है, हमारे जो स्किन के अंदर, बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं, तो डेड सेल्स की मात्रा जब बहुत ज्यादा हो जाती है तो फिर ये हमारी स्किन डल हो जाती है, और ब्लड सर्कुलेशन के कारण, स्किन को मेंटेन करने के कारण, मसाज के कारण ब्लड सर्कुलेशन होता है। और जो हम प्रोडक्ट को यूज करते हैं वो किसी किसी प्रोडक्ट में इतनी क्षमता होती है कि पोर्स को खोलते हुए इंटरनल तक पहुंचकर, स्किन की दसवीं लेयर तक पहुंचकर वो उसको अपना नरिशमेंट करते हैं। नरिश करने के साथ ही देखिए, एक पोषण जो स्किन को देना होता है वो क्रीम पोषण देती है, जिससे कि डेड सेल्स की मात्रा कम हो जाती है और रीजेनरेट जो सेल्स होते हैं तो उससे हमारी स्किन ग्लो करने लगती है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं इतने रुपए का घी खाएंगे तो वो शरीर को लगेगा नहीं, उनका सोच अलग है, लेकिन घी से ग्लो नहीं आएगा। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो वो इतने रुपए का जो आपने घी खाया उससे डबल रुपयों का आपका नुकसान ये होगा कि आपके अगर एक्ने की प्रॉब्लम है, पिंपल्स हो गए या फिर दाने हो गए, तो बहुत जल्दी ही आपको डॉक्टर के पास भागना पड़ेगा और आपका बजट अच्छा खासा वो डॉक्टर बैठा देगा। तो घी का अपना काम होता है, दूध का अपना काम होता है, लेकिन ये मसाज की जो प्रक्रिया है इसका अपना रिजल्ट होता है। हम एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं आपको कि अगर मान लीजिए न्यूली बेबी जो होता है, न्यूली बॉर्न बेबी जो होता है, उसकी हम मसाज देते हैं। क्यों देते हैं? स्किन टाइटनिंग के लिए देते हैं, ब्लड सर्कुलेशन के लिए देते हैं, जिससे कि पूरी बॉडी पर हम मसाज करते हैं तो उसकी स्किन जब पैदा होता है तो बहुत ही नाजुक होती है, छूते ही लगता है कि कहीं बच्चे को नुकसान ना हो जाए, इतना नाजुक बच्चे की स्किन होती है। तो फिर अगर हम मसाज देते हैं डेली उसका उपटन करते हैं, लोई करते हैं या मसाज देते हैं किसी भी ऑयल से या घी से, तो देखिए कुछ दिन बाद, 15 डेज बाद, उस बच्चे की, न्यूली बॉर्न बेबी की स्किन टाइट होने लगती है। मसाज से ब्लड सर्कुलेशन तो होता ही है, चाहे न्यूली बॉर्न बेबी की मसाज कर रहे हैं या अपने फेस की कर रहे हैं या हैंड्स की कर रहे हैं, किसी भी जगह की, तो ये ब्लड सर्कुलेशन तो होता ही है जिससे कि स्किन ग्लो करती है, प्लस क्या होता है कि स्किन टाइटनिंग का भी काम होता है। तो स्किन की केयर करने के लिए हम स्किन पर मसाज देते हैं, स्किन टाइट हो जाती है और स्किन एकदम ग्लो करने लगती है। तो फ्रेंड्स, विश्वास है आपको ये समझ में आ गया होगा कि फेशियल और क्लीन अप में क्या अंतर है। अगर क्लाइंट की एज ज्यादा है, स्किन पर प्रॉब्लम है, तो क्लीन अप के लिए आप सजेस्ट ना करें, आप ये कहें कि आप प्रॉपर फेशियल लीजिए जिससे कि आपकी स्किन एक बार मेंटेन हो जाए, उसके बाद आप बीच में क्लीन अप ले सकते हैं। कम एज वालों को हम क्लीन अप करेंगे, तो आपको शायद समझ में आ गया होगा कि फेशियल में क्या अंतर है, क्लीन अप में क्या अंतर है। फेशियल में हम फुल मसाज देते हैं टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग, और पूरे बैक एरिया, नेक एरिया पर मसाजर यूज करते हैं, और ये क्लीन अप में कोई भी मसाजर यूज नहीं होता है। एक तो हाथ से मसाज देते हैं, उसके बाद में फिर हम मसाजर से देते हैं, तो डबल काम हो गया, डबल हमारी स्किन में एक ग्लो का काम होगा, स्किन टाइटनिंग का काम होगा, और जो हमारे डेड सेल्स हैं वो पुनर्जीवित होंगे और हमारी स्किन एकदम अच्छे से शो होगी, अच्छे से शाइन करेगी स्किन। तो फ्रेंड, विश्वास है आपको ये हमारा समझाने का तरीका कि फेशियल और क्लीन अप में क्या अंतर है, हमारे जो बिगनर्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, उनके जो कमेंट्स आए थे तो शायद उनको समझ में आ गया होगा कि किस तरह का अंतर है। तो आप लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया, या इसके अलावा अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके एक छोटे से बेल आइकन पर क्लिक करने से अगर हमारी प्रोग्रेस जुड़ी हुई है तो आप जरूर करिए, और दूसरा, आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा अगर आपने हमको सब्सक्राइब किया है। तो ये हम अपने कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करिए और उसमें बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम किस तरह का आपके लिए
पेश करें, ये भी सजेशन दीजिएगा, हमको बहुत अच्छा लगेगा। और आपके कमेंट्स का हमको पूरा पूरा वेट रहता है, आपसे बातें करने का पूरा पूरा वेट रहता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम विदा लेते हैं। विश्वास है आपको फेशियल और क्लीनअप का अंतर पता चल गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। ओके, बाय, थैंक यू।